आपने कभी सोचा ऐसी क्या चीज फॉलो की होगी सक्सेसफुल लोगों ने जिसके कारण वो उस मुकाम तक पहुंचे? एलन मस्क अपने बहुत सारे सक्सेस का क्रेडिट इन प्रोसेसेस को देते हैं जो कि उन्होंने थॉमस एडिसन और निकोलस टेस्ला से सीखा है। नाउ एलन मस्क कौन है? एलन मस्क एक ऐसे आदमी जिन्होंने आज दुनिया बदल दी है। अपनी 40s में बिलियन डॉलर्स का एम्पायर खड़ा करने वाले वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने थॉट को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया है। कुछ ही सालों में मल्टीपल्स मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज खड़ी करने वाले एक एंटरप्रेन्योर जिन्होंने लोगों को ऑटोनोमस कारों से रूबरू कराया, मार्स पे सेटल होने का सपना दिखाया, फाइनेंशियल सर्विसेज में रेवोल्यूशन लाया और अभी उनके और बहुत सारे प्लान्स हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका वर्क एथिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में, आपके इनर क्रिएटिव जीनियस को जगाने में और आपको अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंचाने में, बट ये काफी नहीं है। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे हार्ड वर्किंग लोग हैं जो आते हैं, थोड़ा सा काम दिखाते हैं और अपना पूरा पोटेंशियल दिखाए बिना इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। जैसे एलन मस्क है वैसे ही बहुत सारे लोग, थॉमस एडिसन, निकोलस टेस्ला, एरिस्टोटल, ऐसे ब्रिलियंट माइंड्स भी इस मिसिंग लिंक को यानी कि प्रोसेस को फॉलो करते हैं अपना काम बेहतर करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और अपने आप को एक्सेलरेट करने के लिए सक्सेस की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे वो मिसिंग लिंक या फिर वो प्रोसेस है क्या? मैं शुरुआत करने से पहले बता दूं कि ये मिसिंग लिंक यूज करने के लिए आप कैसे काम करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है आप सोचते कैसे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आप ये जीनियस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को कैसे यूज कर सकते हैं। ये एक 3 स्टेप्स फॉर्मूला है। नंबर 1, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन योर अजम्पशंस, अपनी मान्यताओं को पहचाने और परिभाषित करें। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा अगर मेरे पास 1 घंटा एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो मैं 55 मिनट सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचूंगा और आखिरी 5 मिनट में उसके सोल्यूशन के बारे में। मेरे ख्याल से हम जो करते हैं इसका टोटली उल्टा है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ उन प्रॉब्लम्स की जो मेरे ख्याल से रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग फेस करते हैं। मुझे वेट लॉस करना है लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा है, एक्सरसाइज करता हूँ, मेहनत करता हूँ लेकिन मेरी बॉडी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। नंबर 2, मेरे रिलेशनशिप्स मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरी फैमिली के साथ, मेरी वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ सही नहीं चल रहे हैं। नंबर 3, मेरे बिजनेस में प्रॉफिट्स नहीं कमा पा रहा हूँ, मेरा बिजनेस की जो ग्रोथ होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही है। अगली बार जब आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स दिखें तो सबसे पहले रुकें और वो प्रॉब्लम्स को लिख लें। स्टेप नंबर 2, ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इनटू इट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल, समस्या को उनके मूल सिद्धांतों में विभाजित करें। समझा दूं कैसे। कभी पेड़ देखा है दूर से? आपको पत्तियां नहीं दिखती है डायरेक्ट, आपको पहले एक बड़ा पेड़ दिखता है, साइज शेप पेड़ का, उसके बाद उसकी ट्रंक दिखती है जिसमें पूरा पेड़ खड़ा है, फिर आपको पता है उसकी रूट्स भी है, फिर आपको पता है उसकी पत्तियां भी है। आप पत्ती को पास से देखोगे तो आपको छोटे 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 उसपे डिजाइन दिखेंगे, टेक्सचर दिखेंगे, कलर दिखेगा। तो आपने पेड़ को क्या किया, पेड़ को डिवाइड कर दिया। सबसे अच्छा तरीका है अपने आप से सवाल पूछें क्योंकि प्रॉब्लम का सलूशन वहीं पे ही है। कोलगेट देख लीजिए, कोलगेट की सेल्स हो ही नहीं रही थी इंडिया में, लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, लोगों को समझ नहीं आती लंबी ट्यूब का करेंगे क्या हम। सो बहुत सर्वे किया गया, बहुत डेटा स्टडी किया गया, तब जाके पता लगा उनको इंडिया में लोगों की आदत है पाउडर से दांत मांजने की। सो कोलगेट ने निकाला एक छोटा पाउडर का डब्बा, अब लोग उसको यूज करने लगे, कोलगेट को जानने लगे, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने पेस्ट लिया है। अब पेस्ट यूज तो कर रहे हैं लेकिन उसकी सेल्स बढ़ नहीं रही है, तो उन्होंने क्या किया, जो जहां से पेस्ट निकलता है छेद उसका डायमीटर बड़ा कर दिया क्योंकि लोगों की आदत थी यहां से लेकर यहां तक लगाने की, तो ज्यादा जल्दी खत्म होने लगा और सेल्स बढ़ने लगी। सो सोशली एक्सेप्टेबल तरीकों को फॉर्म भर दें, ईमेल कर दें, उनको स्किप किया गया, उनको स्किप करना चाहिए आपको भी, एंड इट विल चेंज द गेम कम्प्लीटली। स्टेप नंबर 3, क्रिएट सॉल्यूशंस फ्रॉम द स्क्रैच। जब हमने 3 एग्जांपल्स लिए थे कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, थोड़ा सा उन पे ध्यान देते हैं। मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ, कोविड के कारण, वर्क फ्रॉम होम के कारण मेरी वेट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, मैं अनयूजुअल दिखने लग गया हूँ और मैं खुश नहीं हूँ अपने बॉडी टाइप से। Now think about it. स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें अपने आप से पूछ के कि क्या चाहिए ऐसा जिसके थ्रू मैं अपने वेट गोल तक पहुंच जाऊं। पॉसिबली एक्सरसाइज मोर, मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी हफ्ते में 5 दिन या फिर ऑल्टरनेट डेज, 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे कितना देना पड़ेगा। अगर मैं 1 घंटा नहीं दे सकता, क्या मैं 15 मिनट निकाल सकता हूँ जहाँ पे मैं एक ऐसा इंटेंस वर्कआउट कर लूँ जो मेरी बॉडी को शायद रिक्वायर्ड है। अच्छा 5 दिन तो मैं नहीं जा सकता, क्या मैं 3 दिन जा सकता हूँ? लेकिन अगर 3 दिन जाऊंगा तो 5 दिन का 3 दिन में कवर करना होगा, तो शायद मेरे को थोड़ा ज्यादा फुल बॉडी वर्कआउट करना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है? अच्छा वर्कआउट तो कर रहा हूँ प्रॉपरली, क्या जो मैं खाना खा रहा हूँ वो राइट क्वांटिटी है? क्या मैं कैलोरी इंटेक सही से कर रहा हूँ? क्या मैं ओवरफीड तो नहीं कर रहा हूँ अपने आप को? क्या मैं सही टाइम पे खाना खा रहा हूँ? लेट नाइट उठ के जब मेरी बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, क्या मैं उस टाइम खाना खा रहा हूँ? आस्क दिस क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, अपने आप से ये सवाल पूछें
आपको सोल्यूशन मिलेगा। हम क्या प्रॉब्लम से दूर ऐसे घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, सिर्फ ये सोच के बैठे रहते हैं मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को ये दिक्कत हो रही है, मेरे को पता नहीं मैं क्या करूं। आपको पता है, एक्चुअली आप ही को पता है। ये 3 सिंपल स्टेप्स यूज करें, यू विल फाइंड अ सोल्यूशन। मैं नहीं बोल रहा हूँ, एलन मस्क, निकोलस टेस्ला, थॉमस एडिसन जैसे लोग बोल रहे हैं जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। सो इट्स टाइम टू थिंक डिफरेंटली। जब हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, हम डिफॉल्ट सब लोगों की तरह सोचने लग जाते हैं। आप सेम नहीं हो, आप अलग हो, आप एक अलग पेट से आए हो, आप अलग जिंदगी जी के आए हो, आपके वैल्यूज, एथिक्स, सोच सब कुछ अलग है। सो पहला स्टेप तो है कि भेड़ चाल से बाहर निकले, हर्ड मेंटालिटी से दूर आ जाए, थिंक आउटसाइड द बॉक्स और पुरानी प्रॉब्लम्स के नए सॉल्यूशन इनोवेट कीजिए। वो कैसे हो पाएंगे? जब आप प्रॉब्लम्स में घुसेंगे, ना कि प्रॉब्लम्स के बारे में बैठ के सोचते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप इट हेल्प्स यू। और प्लीज अगर एक बार में समझ नहीं आया तो ये वीडियो फिर से देखें, इट्स वेरी इफेक्टिव। कीप स्माइलिंग, चीयर्स। समस्या को उनके मूल, अरे तेरी तो भारी हिंदी हो गई, मूल सिद्धांतों में विभाजित करें।